ठीक है, तो जो हमारा एप्लीकेशन का फ्रंट एंड होगा वो हमारे किसी भी सर्विस को डायरेक्ट एक्सेस नहीं करेगा अभी जब, ठीक है, जब भी एक्सेस करेगा वो वाया गेटवे एक्सेस करेगा। ठीक है, तो जो हमारी रिक्वेस्ट आएगी वो सबसे पहले कहाँ आएगी, गेटवे सर्विस पे आएगी। गेटवे सर्विस उसको वैलिडेट करेगा, देन उसके बाद उसको प्रोसेस करके आगे पास करेगा। ठीक है, हर एक सर्विस पे सर्विस यहाँ से जो भी रिस्पॉन्स भेजेगी वो वाया गेटवे होते हुए उसके बाद हमारे यूजर एंड पे आएगा डेटा। तो वाया गेटवे सर्विस हम क्या कर सकते हैं, अपने सिंगल पोर्ट को एक्सपोज कर सकते हैं और उसी पोर्ट के थ्रू हम अपने सारे सर्विसेज को एक्सेस करेंगे। अब यहाँ पे गेटवे सर्विस के अंदर एक और हम काम कर सकते हैं, क्या कि हम किसी भी तरीके की वैलिडेशन लगाना चाहते हैं, लाइक ऑथेंटिकेशन चेक या अपने टोकन की वैलिडेशन। ठीक है, तो वो हम गेटवे सर्विस पे ही लगा सकते हैं, हर एक इंडिविजुअल सर्विस में उसको मैनेज करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो गेटवे सर्विस पे आएगी और यहाँ से जो भी हमें कंडीशन चेक करनी है, जो भी वैलिडेशन चेक करनी है, वो चेक करके आगे पास करेंगे अपने सर्विस के पास। अगर वो वैलिडेशन पास होता है देन आगे प्रोसेस करेंगे, अदरवाइज यहीं से रिटर्न बैक करके यूजर को मैसेज दे देंगे। तो गेटवे के अंदर हम अपनी ऑथेंटिकेशन लेयर को भी ऐड कर सकते हैं, या किसी भी तरीके की हमें एक्स्ट्रा लेयर ऐड करनी है हम यहाँ पे गेटवे पे ही ऐड कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि गेटवे सर्विस का रोल क्या है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग गेटवे सर्विस को क्रिएट करेंगे और अपने हर एक इंडिविजुअल सर्विस को वाया गेटवे एक्सेस करेंगे।